वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इट्स मी हिना मोहित, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये है मेरा ड्रामेबाज बेटा जो कैमरे के आगे आते ही ड्रामे करने लग गया, खराटे मार रहा है। तो जी, मॉर्निंग हमारी हो गई है और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हम जो है ना बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं व्लॉगिंग करने में, क्योंकि डेली व्लॉगिंग ही नहीं कर पा रहे। तो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट करने लगी थी, मेरी दौड़े लगवा रहा था, ड्रामे खा रहा था, कह रहा था मुझे पकड़ो मैं खेलूँ आपके साथ, क्योंकि घर में कोई होता नहीं है। तो फिर ये कहता है कि बस मेरे साथ लगे रहो। अब मैं निकाल रही हूँ आटा, सोच रही हूँ नाश्ता क्या करना है। नाश्ता मैं बनाने लगी हूँ सादी रोटी, और दरवाज़ा खोला था दूध देखने के लिए, पर दूध नहीं देके गई आंटी। तो मैं अब बनाने लगी हूँ हाफ फ्राइड एग, एग हम कहते हैं एग। ये देखें इसके काम, दूध देखने के लिए दरवाज़ा खोला तो बिल्ली आ गई अंदर, और ये बिल्ली का दीवाना, चेक करें। ये आ गई हमारी रोटी तवे के ऊपर। नो बेटा, अभी मैंने ये आटा निकाला हुआ है गूंदने के लिए, ठीक है। और ये अभी इतने सारे बर्तन हैं धोने वाले, ठीक है। और अभी जो है ना ये थोड़ा सा सालन है जो कि मैं अभी खा लूँगी और हम भी खा लेगा। और अब हमने बनाना है, आज हमने बनाना है लोबिया। तो लोबिया मैंने सुबह भिगो के रखना था, लेकिन फिर अरहम रोने लग गया, तो फिर मैं जो है ना सब कुछ यहीं पर छोड़ के, आटा वगैरह गूंद लेना था मैंने सुबह ही, फिर मैं ये सब कुछ यहीं पर छोड़ के तो जो है ना अरहम के पास चली गई थी। तो सादी रोटी नाश्ते में खाने का मकसद ये है, मेरे दो वजह है इसकी। पहली वजह तो गला ख़राब है, ठीक है, पराठा नहीं खाया जा सकता। और दूसरी वजह ये है कि कोशिश ये है कि जी हमारा वेट कम हो जाए, और इसकी वजह से भी पराठा नहीं खाया जा रहा। ये आ गई हमारी रोटी, और ये सुबह वाली रोटी है, इसको भी गर्म किया है। और ये आ गया शिमला का सालन, और साथ में हाफ फ्राई एग। और अब हम करने लगे हैं नाश्ता, और अरहम मुझे तंग कर रहा है कि जी मुझे पानी डाल के दो सबसे पहले। नम नम, और ये देखो चीज़ें बिखेर रहा है, वो देखो ट्राउजर गिरा दिए पापा का, कैटो के साथ खेल रहा है गंदा बच्चा। चलो जल्दी से हम नाश्ता करें, ठीक है, नाश्ता करें, नाश्ता करें अरहम, नाश्ता करें। इधर नाश्ता हो रहा है, क्या हो रहा है हम, ये अभी ये भी इसको भी वॉश करना है, इसको गंदे बच्चे को। चलो आओ नाश्ता करो जल्दी से, जल्दी पानी पीना है। पानी तो आप गिरा रहे हो, कपड़े भी गीले कर रहे हो, कितनी बुरी बात है, ऐसे करते हैं। बस बस का बच्चा फिनिश होना चाहिए, नीचे थू ना हो, फिनिश फिनिश जल्दी से, गंदा बेबी। बस बस बस, मैं कह रही हूँ बस बस, कहता ऑल ऑल मम्मा ऑल। इसको पानी देती रहूँगी तो इसने पीते रहना, और साथ में इसको थू करते रहना, और इसने कपड़े भी गीले करने हैं, और बाय जो है ना कारपेट भी गीले करने हैं। तो बेहतर है चुप करके ना इज्जत के साथ उठ जाए। ठहरो ज़रा, ठहरो ज़रा, बस। सो फ्रेंड्स, नाश्ता हमने कर लिया, अब जो हमारा अगला काम है वो है मैं भिगोने लगी हूँ लोबिया, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के। भिगोना क्या है, मतलब साथ ही बॉयल करने के लिए रखने लगी हूँ, क्योंकि ये टाइम लेगा, तो पहले ये काम करते हैं उसके बाद फिर दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा समेटना है। ये आ गया है जी इनका लोबिया, ये आ गया इसके अंदर थोड़ा सा नमक, और ये बिल्कुल थोड़ा सा मीठा सोडा इसके अंदर ऐड करना है ताकि जो है ना जल्दी गल जाए,
और अच्छे से गल जाए। बेकिंग सोडा, बर्तन धोने से पहले मैं आटा जो है ना गूंद के रखती हूँ, ताकि जब तक मेरे बर्तन धुले तब तक मेरा जो है ना आटा भी ठहर जाए, और फिर बर्तन धुलेंगे तो फिर बाकी आटा इसके अंदर डाल के तो फ्रिज में रख दूँगी। तो फटाफट से आटा गूंदती हूँ, उसके बाद फिर बर्तन। ये आटा मैंने रख दिया थोड़ी देर ठहरने के लिए, आधा पौना घंटा ठहरने के लिए रख दूँगी, तो जो है ना बहुत अच्छे से ये मुलायम जो है ना बन जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ अरहम जो है कहाँ खाना अंजाम दे रहा है। ये देखें कैटो के साथ बोल खेले जा रहे हैं हायर से, वाजी वाह ये गेम अरहम की, वाजी वाह ये इतनी अच्छी गेम खेल रहा अरहम। ये मेरे बेटे की कौन सी गेम है ये, और ये इसने क्या किया है ये देखो, ये इसने पता क्या किया है, ये इसने उतारा है ये दरवाजे के नीचे लगा हुआ था, यहाँ से इसने खींचा इधर से। हाँ जी क्या मसला आपके साथ, देखने आई हो क्या कर रही हूँ मैं, चलो अब ये कपड़े वगैरह समेटने। ये देखो जरा इस लड़के के हाल अहवाल, अब जो ना जल्दी से बर्तन धोती हूँ। ये ले जी किचन भी सारा समेट लिया हमने, अब जो है नेक्स्ट काम हमारा है ये समेटना। और हमने जो इतना गंद मचाया हुआ है, और कैटो ओए नीचे उतरो कैटो, गंदी बच्ची नीचे उतर, कहाँ कहाँ चढ़ के बैठ जाती है, और ये हमने कैसे पानी गिराया हुआ है, बुरी बात है ना अरहम। अब मैं यहाँ पे चला रही हूँ हीटर, ये है गर्म पानी वाला, ये टाइमिंग है ये 42 पे जा रहा, ठीक है इसको थोड़ा सा तेज़ करूँगी, और ये मैं हीटर का चलाने लगी हूँ, ये इसको थोड़ा बराबर कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे हीटर ऑन हो गया, अब जो है ना मैं हीटर पे जो है ना, अब मैं हीटर के ऊपर कपड़े डाल डाल के जो है ना इनको सुखाऊंगी, तो जल्दी सूख जाएंगे और समेटूंगी ज़रा ज़रा। टॉयज़ इसके मैंने सारे इधर रख दी हैं, और ये पूरा हीटर है इसके ऊपर मैं जो है ना कपड़े फैलाऊंगी, और फटाफट से कपड़े सूखते जाएंगे और मैं जो है ना समेटती जाऊंगी साथ साथ। चलो कैटो को बाहर निकाल दें, चलो अपने सारे बॉल्स इसके अंदर डालो, वो सारे बॉल्स इसके अंदर डालो, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा ये जी। तो फ्रेंड्स अरहम सो गया, और अरहम ने मुझे इतना तंग किया, इतना तंग किया, शायद आज उसके बर्थडे है इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा तंग कर रहा है, या मेरी तबीयत ख़राब है शायद मुझे इसलिए फील हो रहा है। तो खैर अभी तो वो सो गया है बहुत मुश्किल से, उसके साथ खपते खपते 3:15 हो गए हैं। तो अभी जो है ना मैं सफाइयाँ कर रही थी, तो जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ वहाँ सफाई कर रही थी, तो अरहम साहब वहाँ आ रहे थे और जो है ना वहाँ वहाँ जो है ना सारा काम ख़राब कर रहे थे, बेडशीट बिछाती थी बेडशीट ख़राब, नीचे से ब्रश लगा रही थी ब्रश ख़राब, सारी सफाइयाँ बहुत मुश्किल से मैंने की हैं, बहुत तंग आके। तो वो कैटी के साथ भी लगा रहा है, इसके अलावा फिर कहता दरवाज़ा खोलो मैंने बाहर जाना, बाहर बारिश हो रही थी, इसने अपने कपड़े गीले कर लिए हैं बारिश में खड़े होकर ना ऐसे बाजू करके, तो ऐसे ऐसे बारिश को इन्जॉय कर रहा है। तो कपड़े गीले किए हैं, उसके कपड़े मैंने दोबारा से चेंज किए हैं, तो उसको सुलाया है। तो अब जो है मैं आई हूँ किचन में दोबारा, तो मैंने कहा अपने काम वगैरह निपटाती हूँ, 3:15 तो वैसे ही हो गए हैं, और साथ में मैंने जो है ना कपड़े जो है हीटर के ऊपर फैला रही हूँ, तो वो जो है ना जो जो ड्राई हो रहे हैं वो उठाती जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पे बर्तन भी ड्राई हो गए थे मैंने समेट लिए हैं, और यहाँ पे लोबिया भी जो है ना बॉयल हो गया है, तो इसको मैंने ना छाननी में छान लिया ताकि जो है ना इसका पानी निकल जाए। कपड़े मैंने उतारे हैं सारे दोबारा से जो गीले हैं वो फैलाए हैं, यहाँ से सारे उठा लिए हैं कपड़े, ठीक है वहाँ पे फैलाए हुए थे वहाँ से भी उठा लिए हैं, और कुछ मैंने इस वाले हीटर के ऊपर फैलाए हुए हैं, यहाँ से कुछ उतार लिए हैं और बाकी दोबारा फैला दिए हैं। और ये देखें ये सो गया, कपड़े चेंज किए हैं, ये वाले सूख गए हैं कपड़े, अब इनको मैं समेटने लगी हूँ। इसके अलावा बाहर कपड़े पड़े हुए हैं, बाहर जाके लेके आते हैं, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आटा गूंद लूँ।
आटा भी डाल दिया और अब इसके अंदर ऊपर ऑयल लगा के फिर इसको रखते हैं फ्रिज में। और यहाँ पे ये भी धुल गया है, जल्दी से फ्रिज में रखे हैं। ये हो गया इधर, ये हो गई लाइट ऑफ। अब मैं जा रही हूँ बाहर बाहर कपड़े उतारने के लिए, और साथ में आपको दिखाती हूँ यहाँ का मौसम किस तरह का है। साथ में जो है ना डस्टबिन भी खाली करनी है, वो भी साथ में कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह का मौसम है ना बार बार बाहर जाने को दिल नहीं करता। ये देखें, बारिश होती है रुक जाती है, होती है रुक जाती है, लेकिन यहाँ से ये जो गीली ज़मीन है ना ये नहीं जो है ना सूख रही। मतलब इस तरह से बारिश हो रही है कि गीली ज़मीन नहीं सूख रही। माशाल्लाह इतनी बारिशें हो रही हैं यहाँ पे। छिलके वहीं पे फेंक दिए। ये यहाँ पे फैलाए हैं कपड़े, अब ये सारे मैं उतारूंगी और अंदर खुश्क करूंगी इन कपड़ों को। यहाँ पे पूरी सर्दियाँ जो है ना सबसे ज़्यादा टाइम मेरा कपड़ों पे वेस्ट होता है, क्योंकि बार बार उनको पहले बाहर फैलाओ, फिर बारिश हो जाए फिर अंदर लेके आओ, फिर बाद में हीटर पे थोड़ा थोड़ा करके डालो और एक एक पीस को सुखाओ, फिर उनको उतारो, तो जो है ना कपड़े इस तरह बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो फिर इकट्ठे भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं ना। जब तक बर्फ़बारी ख़त्म नहीं होती तब तक मेरा यही काम रहना है, मैं सुखा रही हूँ, कभी बाहर डाल रही हूँ, कभी अंदर लेके आ रही हूँ। और इतनी सर्दी होती है कि बाहर जब कपड़े डाल रहे हो तो हाथ बर्फ़ हो जाते हैं, मतलब इतना बुरा हाल हो जाता है कपड़े डालने में, सोचें आप। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरा बेटा जाग जाएगा, तो अभी तो मेरा मसाला भी रेडी नहीं हुआ, तो और मेरा बेटा जो है ना बिस्तर से उठ के सीधा किचन में आ गया मेरे पास। मम्मा, हम कहते हैं मम्मा तोतन बना रही है, और हमका मूड पता क्यों ठीक होता है, तोतन और हम खाता है ना पॉपकॉर्न खाता है, इसलिए हमका मूड ठीक होता है। क्या खाने लग गया तोतन? देखे, ये देखें जी मेरा बेबी यहाँ पे पॉपकॉर्न खा रहा है। मेरे बेटे के बाल खराब हुए हैं बारिश में, गीले किए ना आपने बाल, देखा गला खराब हुआ ना। मम्मा खा ले। मम्मा ले ले प्लीज। थैंक यू। अभी ना मैंने अगर हमको शहद के ऊपर काली मिर्च डाल के दी है तो ना कहता है ओल, बताओ बताओ ओल ओल नहीं ना ओल, कहता मुझे डाल डाल के दे जाओ और मैं खाई जाऊं। ओल ओल बड़े शौक से खा रहा है शहद, थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ क्योंकि अब इसका पेट ना खराब हो जाए, दो चम्मच खा चुका है। ओल ओल कहते ओल ओल खाना, मैंने हनी ओल खाना जी। देखो ये अभी लगा हुआ है इसके साथ, ये वाला खा लो ना पहले। बस खाना हमारा तैयार हो गया, इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया है लास्ट पे, और ये है हमारा लोबिया तकरीबन तैयार हो गया है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ अरहम क्या कर रहा है। अरहम की खाला की कॉल आई हुई है और वो अपने कजन्स के साथ गपशप लगा रहा है, इतना खुश हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। आए आए आए, खुश हो गया खुश हो गया। इब्राहिम से बातें कर रहा हूँ, देखो इब्राहिम से बात हो रही है भाई अरहम की। वाह जी वाह, इब्राहिम की भी मैं वीडियो बना रही हूँ। ओए इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है। सो फ्रेंड्स ये तो अब इंजॉय कर रहा है क्योंकि ये मुझे तंग कर रहा था, अभी की कॉल आई है तो भागा गया, मुझे फटाफट मोबाइल ला के दिया किसका फोन आया, तो वीडियो कॉल पे ना गपशप लगा रहा है, जंपिंग कर करके दिखा रहा है। सो फ्रेंड्स वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें शेयर करें मुझे कमेंट में बताएं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं आपसे इससे भी ज़्यादा अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में रखें, याद अपना रखें, बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।